हेलो दोस्तों, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं। नेत्रा जगत सा, ये स्टूडेंट जनवरी 24 इंटेक में ओवरऑल 6 बैंड के साथ कनाडा पढ़ाई के लिए जाने वाली है। स्टूडेंट्स ने आयल्स यहाँ से नहीं किया है, कहीं बाहर से या ऑनलाइन किया था आयल्स, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टेड जर्नी है उसकी। केयर में कैसे पहुंची, केयर इमिग्रेशन ने उसकी कोर्स सिलेक्शन से लेके वीजा के प्रिपरेशन तक, वीजा के डॉक्यूमेंटेशन तक उसकी कैसे सहायता की, कौन कौन से कंसल्टेंसी ने उसने विजिट किया था, उसका कंट्री के बारे में भी क्या सोचना था। पहले से कंफ्यूज थी कौन सी कंट्री में उसको आगे की पढ़ाई के लिए जाना चाहती है वो, क्योंकि कोई लोग बोल रहे थे US जाओ, कोई बोल रहा था UK जाओ, कोई बोल रहे थे कैनेडा जाओ। तो उसमें से उसने कैसे अपनी ये पूरी जर्नी केयर इमिग्रेशन और उसके फैमिली की सहायता से एंड की, और आज लकीली उसके पास कनाडा का वीजा है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसी स्टूडेंट्स और उसके पिताजी हमारे साथ है, उनसे आपकी बात सुनवाते हैं। दोस्तों चलिए, कैसे हो नेत्रा? आई एम फाइन सर। हाय, माय नेम इज नेत्रा शाह एंड आई लिव इन वेजलपुर अहमदाबाद। आई कम्प्लीटेड माई स्टडी इन सजानंद स्कूल एंड आई कम्प्लीट माई बैचलर्स इन LJ कॉलेज and then I started my IELTS journey and my bands came and then I visited some of the consultancy but I did not get the result, but then I got recommendation of care immigration, so I came here and they told me about Canada, that I should visit Canada and study over there. And then I discussed with my parents and with my sibling that I should study there. And care immigration helped me a lot in this journey. My SOP made by Jilu ma'am, and she sent me SOP, and it was an amazing to experience with her. And then my visa came within 10 days. उसने एक ही सारी चीज बता दी। चलिए उसको पार्ट करके थोड़ा उससे माहिती लेते हैं। नेत्रा, जब आप यहाँ पर आए थे, शायद आपके माइंड में उस टाइम पर ऐसा भी था, मैं US जाऊँ, कैनेडा जाऊँ, UK जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, न्यूजीलैंड जाऊँ, तो उसमें से आपने कैनेडा सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि केयर इमिग्रेशन ने मुझे हेल्प किया कैनेडा कंट्री सिलेक्ट करने के लिए। ओके। क्योंकि वहाँ पे अभी स्टडीज अपॉर्चुनिटी बहुत है। बहुत बढ़िया, तो ये चीज हमने उससे डिस्कशन किया था, हमने उसको सारे ऑप्शंस बताए, पूरा खर्च बताया था। तो उनके फादर भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। मीनवाइल जगत जी, जैसे नेत्रा ने बताया कि उसने आयल्स अपने आप किया है, मतलब ऑनलाइन किया था नेत्रा, राइट? और 6 बैंड आए थे उसके। तो फिर केयर तक आप कैसे पहुंचे? सर, माय कजिन ब्रदर सन मिस्टर जीत, ओके, उनके रिकमेंडेशन से इधर से वीजा लिया था। यस, वीजा लिया था। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपको केयर में ही कांटेक्ट करो। तो मैंने एक दो कंसल्टेंसी में कांटेक्ट किया था, बट फाइनली मैंने केयर चूज किया। दोनों में डिफरेंस क्या था सर? वहां से मेरे को सेटिस्फैक्टरी कुछ आंसर्स नहीं मिले। अच्छा, बरोबर। आपके वहाँ आया, आपके वहाँ जो मानसी मैम वगैरह है उनसे, हाँ, और आपसे भी बात हुआ था पहले जब फर्स्ट टाइम आया था। ओके। तो उस टाइम आपके लोगों ने मेरे को फुल सपोर्ट किया कि आप, और मेरे को सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला। देखो, ये चीज मैं हर एक मेरे व्यूअर्स को बताता हूँ कि जो माँ बाप होते हैं ना, उनको पैसा खर्च करना है, उनको पैसा कॉलेज को पेड करना है, एजेंट को नहीं करना है, ठीक है? उनको एक चीज चाहिए हर एक एजेंट में, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल, एक मैच्योरिटी, साथ में एक ठहराव और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मेरा बच्चा या बच्ची को अच्छी तरह गाइड कर सकता है। और मैंने कभी भी आपको फोन कॉल किया या फिर मैं कुछ मेरा कंफ्यूजन था तो पर्सनली आया, तो आपके वहां से आपके स्टाफ ने हमको फुल सपोर्ट किया, वो भी एक बड़ी बात है। नहीं नहीं सर, हमें तो हमारा काम से है। बहुत सारी ऑप्शंस मिले कॉलेज। अच्छा? के जो हमें दूसरी जगह नहीं मिले थे। यस, तो ये भी देखो, ये मैंने पहले बताया, नेत्रा ऐसा नहीं थी कि नहीं अब मेरे को आना है कनाडा भेजो, नहीं, मेरे को हर एक ऑप्शन बताओ, जैसे हर एक लड़कियों को होता है, हाँ, है ना, यार एक चॉइस दिखा, उसमें से मैं सिलेक्ट कर। तो ये काउंसिलिंग का पार्ट है। और उनके पेरेंट्स जो मैं बात कर रहा हूँ, उनकी माताजी और पिताजी, उनकी हर एक डिसीजन में उनके साथ रहते ही थे।
उनके फादर आते हैं या उनकी मदर आती है। मैं हर एक, अगर मेरे जो व्यूअर्स जो अभी पेरेंट्स हैं उनको मैं खास बोलता हूँ, आप भी अपने बच्चों के साथ कंसल्टेंट के यहाँ जाइए, कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री सिलेक्ट कर रहा है, कितना खर्च होएगा, ये सारी चीज में आप इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो आपका आपका जो लड़का या लड़की है उसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह फॉरेन में हो जाएगी। ये उसका पहला कदम है, ये स्टेप फर्स्ट होना ही चाहिए। यस जगत जी, फिर आप दूसरे कंसल्टेंसी से हमारे आप हमने गए, फिर आपको क्या महसूस लगा केयर का? सर केयर में मेरे को जो सर्विस मिली और जो कम से कम टाइम में मेरा जो प्रोसेस हुआ पूरा। आपका वीजा लगा मतलब कितने दिन में आपका वीजा आया? विद इन 10 डेज। बढ़िया। जब मैंने पूरा एप्लीकेशन कॉलेज में एप्लीकेशन से लेके जो वीजा आया वो टाइमिंग है पूरा मैक्सिमम 1.5 या 2 महीने के बीच का है। उसमें सारी चीज हो गई, 1.5 महीने की सारी चीज हो गई। एप्लीकेशन कॉलेज में किया, फी भरी, लोन लिया मैंने, फिर वीजा एप्लीकेशन किया। ये आपने बहुत अच्छा टाइमिंग बताया। जो बच्चे मेडिकल हुआ, जो बच्चे ऐसा सोच रहे कितने टाइम में आज के टाइम पर कनाडा का वीजा लगता है, तो ये आपके साथ प्रैक्टिकल में बात करके दिखा रहे, सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर जीरो से लेके वीजा तक का पूरा प्रोसेस खत्म। बायोमेट्रिक्स मेरा जो इसका हुआ, वहां से बायोमेट्रिक जो डेट से हुआ उसका अंदर 10 डेज के अंदर उसका वीजा ग्रांट हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी छोटी सी, अगर आप कभी बोलते कि पेरेंट्स को कुछ चीज मालूम नहीं होती या स्टूडेंट, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो उनको पूरी चीज मालूम होती है, छोटी छोटी चीज उनको याद होती है, हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को। ऐसे ही हम आशा करते हैं कि आपके भी अगर कोई लड़का या लड़की फॉरेन में पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, आप भी इतनी जगत जी की तरह आप बिजी होंगे ही कहीं, आप कुछ काम करते होंगे, कुछ धंधा करते होंगे, लेकिन समय निकालना जरूरी है। मैं कई बार इनका ऑफिस क्लोज होने के टाइम पे मैं पहुंचा हूँ, मेरा जॉब है, फिर भी बात करी है, 7:15 बजे मैं पहुंचा हूँ, इनका ऑफिस 7:30 बजे बंद होता है, फिर भी उस टाइम में भी उन्होंने मेरे को प्रॉपर्ली आंसर दिया कि नहीं चलो अब इतने दूर से आया तो। और स्टाफ्स भी बहुत सपोर्टिव है। हमको जो भी सजेशन सॉल्यूशन जो भी है वो उन्होंने कम्प्लीटली मेरे को उस टाइम पे भी दिया जब उनका ऑफिस बंद होने का टाइम था। बहुत बढ़िया। और ये थैंक यू फॉर माय बिहाफ ऑफ केयर इमिग्रेशन टीम कि आपका ये रिव्यू बहुत ही हमको एनर्जेटिक करता है। ऐसी ही सर्विस हम आगे और कस्टमर को दे पाए इसके लिए हम ऑलवेज प्रयत्न करते रहेंगे सर। अभी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं नेत्रा को, इतना अच्छा रिसर्च करके बच्ची यहाँ पर पढ़ी, इतना अच्छा उसका आइल्स में भी बैंड आया, उसने खुद ये सारा रिसर्च किया। आगे धरम कॉलेज में जाने वाली है January 24 इंटेक में, वहां पर भी जाए, ऐसी ही तरह बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई करे, साथ में केयर इमिग्रेशन के साथ में उनके फैमिली का, उनके परिवार का भी नाम वो रोशन करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं रहेगी। नेत्रा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर। देखो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि हमारा, देखिए ये कोई आर्टिफिशियल हम नहीं करते हैं, देखिए चालू हमारा वीडियो ही चालू रहे, ये चीज नेचुरली हमको दिखानी है कि वीडियो चालू रहकर पेरेंट्स आर एक्साइटेड टू टेक अ पिक्चर्स, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए दोस्तों। ऐसे ही और क्लाइंट और स्टूडेंट की और पेरेंट्स की जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों।